वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न बेसिक कंसेप्ट है, उसके रिलेटेड हम जान लेंगे। लेकिन जो मॉनिटर्स पे रेस्पिरेटरी रेट दिखाते हैं, उसके साइड में जो रेस्पिरेटरी वेव्स आते हैं, उसी को हम इस बार स्टडी करेंगे। वेंटिलेटर स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म आते हैं ब्रीदिंग रिलेटेड, वो डिफरेंट्स होते हैं। और कैपनोग्राफी अगर हम देखेंगे कि अगर पेशेंट कैपनोग्राफी पे ऑन है, उसका सी ओ टू मॉनिटरिंग चल रहा है, तो वो उसका वेवलेंथ भी मॉनिटर पे अलग आएगा। वो इस बार इसमें हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम बस जो ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मली दिखाई देंगे उसके बारे में हम देखते हैं, नॉर्मली एबनॉर्मल जो हम देखते हैं मॉनिटर पे। तो पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट विद एज के बारे में। तो आप सबको पता है कि एज के अकॉर्डिंगली हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिफरेंट होता है। तो इन्फेंट टू वन ईयर, तो एक साल तक बच्चे को 30 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट रहता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 30 टू 60 काउंट किया जाएगा। वो वन ईयर टू थ्री ईयर ये 24 से 40 ब्रीथ्स पर मिनट रहेगा। थ्री ईयर टू सिक्स ईयर ये रहेगा 22 तो 34 ब्रीथ्स पर मिनट। देन 6 साल से 12 साल तक की उम्र में जो रहेंगे उनका ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो रहेगा 18 टू 30 ब्रीथ्स पर मिनट रहेगा। देन 12 ईयर टू 18 ईयर्स 12 टू 16 ब्रीथ्स पर मिनट रहेगा। 18 ईयर टू 15 ईयर ऑफ एज में 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट रहेगा। एंड 50 ईयर एंड अबो एज वालों का ब्रीदिंग रेट रहेगा 13 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एक दो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट सोर्सेस से अलग अलग आपको वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन ज्यादा प्लस डिफरेंस नहीं होता है, प्लस माइनस 2 ऐसे ही होता है। तो नॉर्मली आपको एज अकॉर्डिंगली समझ में आ गया होगा कि आपके पास अगर इन्फेंट पेशेंट आता है या नॉट 3 to 6 ईयर का पेशेंट आता है, एडोलेसेंट पेशेंट आता है या ओल्ड एज पेशेंट आता है, तो आप इस अकॉर्डिंग उसका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट देख के आगे आपका प्रोसेस कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे ब्रैडिपनिया के बारे में। तो जैसे ब्रैडिपनिया, हमें जैसे ब्रैडिकार्डिया पता है, तो ब्रैडिपनिया हुई है, ब्रैडिकार्डिया कार्डियक रिलेटेड है, ब्रैडिपनिया रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। तो ये क्या है? एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग रेट। तो यह क्या है? एबनॉर्मल है ये स्लो ब्रीदिंग रेट, मतलब ब्रीदिंग रेट जो नॉर्मल है, जैसे एडल्ट का ही हम पकड़ के चलेंगे 12 टू 20 ब्रीथ्स है, तो उससे कम ब्रीथिंग ब्रीथ रहेगा इसमें। तो जैसे नॉर्मल वेव फॉर्म ने हमने देखा कैसे नॉर्मली वो थोड़ा ज्यादा पिक्स आ रहे थे इसमें, और इसमें इस वेव लेंथ फॉर्म में आप इधर देख सकते हो, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है दो पिक्स हाई पिक पॉइंट में ज्यादा है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ है? ब्रीदिंग कम हो रहा है, पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट उसका कम है। इस वेव को जो पिक पॉइंट है इसको काउंट करेंगे तो आपको एक मिनट में आपका ब्रीदिंग रेट मिल जाएगा। तो जैसे ब्रैडिपनिया में ये कम हो रहा है, अगर आप नॉर्मली में पिछले साइड में आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये वेव थोड़ा पिक इसका ज्यादा था और ये जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में वो थोड़ा कम था, तो इसका मतलब वो नॉर्मली चल रहा था। और ये ब्रैडिपनिया में आप देख सकते हो वेव फॉर्म हाइट भी छोटा हो जाता है और डिस्टेंस भी दोनों का बढ़ जाता है। तो आगे है, इट्स अ सिम्टम दैट मे इंडिकेट हेल्थ कंडीशन। एक डिसीज कंडीशन का सिम्टम हो सकता है जो एक क्रिटिकल डिसीज कंडीशन आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। तो ब्रैडिपनिया होता है तो इसके भी सिम्टम्स है, सिम्टम्स के भी सिम्टम्स हम देखेंगे। ब्रैडिपनिया होता है तो हमें क्या होता है? डिजीनेस होता है। तो डिजीनेस क्यों होता है? क्योंकि सांस कम ले रहे हो, ओटू कम जाएगा, ब्रेन को ओटू सप्लाई, ऑक्सीजनेशन होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा, तो इसकी वजह से डिजीनेस होगा, फटीग होगा, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ओटू की वो फुलफिल नहीं होगी, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा अच्छे से और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से फटीग होगा, टायरिंग क्विकली एंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो जैसे हम देख सकते हैं जैसे ब्रैडिपनिया हो गया है तो हम जल्दी थक जाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, हमें वीकनेस हमेशा रहेगा, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है जो करंट कंडीशन में उसका रेस्पिरेटरी रेट है उस हिसाब से। चेस्ट पेन भी हो सकता है क्योंकि
हार्ट को भी जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं उसमें भी ओ2 जाता ही है, तो वहाँ पे भी ओ2 सप्लाई अगर कम पड़ता है तो चेस्ट पेन होने के चांसेस हैं और कंफ्यूजन पेशेंट को हो जाता है। अगर सीवियर कंडीशन में ब्रैडिपनिया है, ज़्यादा ही उसका रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया है, 12 से कम मतलब 8-6 ऐसे में चल रहा है, तो पेशेंट को कन्फ्यूजन आ जाएगा क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट एकदम नील ही लगभग हो गई है। तो ये हुआ ब्रेडिकनिया, इसका वेव फॉर्म आप देख लो नॉर्मल से कंपेयर करके, मैं एंड में भी बता दूंगा, तो एंड वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है सबको कि कंपैरिजन वाइज आपको भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। एक एबनॉर्मली ब्रीदिंग रेट है और इसके सारे ये सिम्टम्स है, डिजीनेस, फटीग, टायरिंग क्विकली, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीकनेस, चेस्ट पेन एंड कन्फ्यूजन। तो ये जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट O2 के ऑक्सीजनेशन की कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखेंगे, ये हमें ये जल्दी ही याद हो जाएगा, इसे ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके कॉजिंग फैक्टर क्या है, ब्रेडिपनिया किस वजह से हो सकता है। तो पहले है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिस जिस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिस मेल फीमेल कैंडिडेट्स को जिनको भी है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, तो अब सोचोगे कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म से कैसे होगा, तो ये क्या करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ड्राइव है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उन पेशेंट में, तो उनका जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो कम हो जाता है, जो कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में है, तो वो ड्राइव कम हो जाता है, तो उनको बॉडी ब्रेन कमांड करता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से उनका ब्रैडिपनिया हो जाता है। हेड इंजरी में देखो, जैसे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इंजर्ड हो गया है, तो वही हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो अल्टरनेटली ये एंड में ये होने ही वाला है, हेड इंजरी है तो रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, अपने जो भी पर्टिकुलर ये सेंटर ऑफ कमांड है ब्रेन के, रेस्पिरेटरी सेंटर है जैसे, तो वो इंजर्ड होगा तो ब्रेडिपनिया होगा। ओपियोइड्स जो ब्रेन को, ब्रेन फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, अल्कोहल इंटरफेयर करता है, टॉक्सिन्स जो है वो भी हमारा जो ब्रेन का कमांड सिस्टम है उसको इंटरफेयर करते हैं उसके फंक्शनिंग में, तो इसलिए ब्रेडिपनिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब वाटर इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से क्या होता है, वाटर इम्बैलेंस होता है, वाटर इम्बैलेंस होता है, तो अगर ज़्यादा बॉडी में फ्लूड आ जाए, हाइपरवॉल्यूमिया हो जाएगा, तो पेशेंट का ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा क्योंकि वो ब्रीद नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंग्स के एल्विओलाई के आसपास में वाटर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ब्रीदिंग फास्ट होगा क्योंकि उसको फील होगा कि हम ऑक्सीजन मतलब सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हम ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो वो जल्दी 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 फास्ट ब्रीदिंग करेगा, वो हम आगे देखेंगे वो किस कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया में है तो उसको वाटर कंटेंट कम रहेगा, उसमें भी दिक्कत आएगा, तो पेशेंट तब कम ब्रीथ करेगा क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट कम लगेगा। और स्ट्रेस और एंजाइटी में भी देखें, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो पेशेंट इसकी वजह से, जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी जब अटैक आता है स्टार्टिंग में, तो उसका हार्ट सॉरी रेस्पिरेटरी ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ब्रैडिपनिया होता है। तो ये है सारे कॉजिंग फैक्टर ऑफ ब्रैडिपनिया, हाइपोथायरॉयडिज्म की कैसे करता है, वो रेस्पिरेटरी ड्राइव को कम करता है, हेड इंजरी, ओपियोइड्स, अल्कोहल, टॉक्सिन, ये सारी चीजें ब्रेन फंक्शनिंग को अल्टर कर देती है, इसलिए एट द एंड ब्रैडिपनिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वाटर इम्बैलेंस रहता है, तो उसके लंग्स के आसपास का फ्लूड वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो अच्छे से परफ्यूजन एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता, और स्ट्रेस एंजाइटी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंजाइटी वाले पेशेंट है उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है टैकिपनिया, ब्रैडिपनिया के एकदम अपोजिट है टैकिपनिया। ये क्या है, क्विक शैलो ब्रीदिंग, वो क्या था, ये क्विक शैलो ब्रीदिंग है, मतलब फास्ट होगा इसमें, टैकी मीन्स फास्ट और निया मतलब ब्रीदिंग। तो इस वेव फॉर्म में आप देख सकते हो, इधर जैसे हमने पिछले वेव फॉर्म में देखा था कि उसका हाइट वेव फॉर्म का बहुत कम था और जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए उसका रेस्पिरेटरी रेट कम था। अब इसमें आप देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों पिक के बराबर बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और इसका हाइट भी आप देख सकते हो, तो मतलब हाइट तो नॉर्मली नॉर्मल इसके जैसा ही रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में जो हाइट रहेगा वेव फॉर्म का और टैकिपनिया में रहेगा वो सेम ही रहेगा, और ब्रैडिपनिया में भी हाइट का जो है वो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ये होगा, नॉर्मल में जो डिस्टेंस रहेगा ब्रैडिपनिया में कम होगा, टैकिपनिया में
सॉरी ब्रेडिपनिया में वो डिस्टेंस दोनों पिक के बीच में बढ़ जाएगा और टैकिपनिया में ये जैसे कम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखो ये कम है, और जैसे ब्रेडिपनिया में हमने देखा ये थोड़ा यहाँ तक से एक्सटेंड हो रखता है। तो इफ ब्रीदिंग रेट गेट्स फास्ट, पहले अगर ब्रीदिंग रेट आपका फास्ट हो रहा है और फिर नॉर्मल में आ रहा है, पहले फास्ट हो रहा है और फिर रिटर्न्स टू नॉर्मल आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट टैकिपनिया। ट्रांजिएंट मतलब क्या? थोड़े टाइम के लिए आने वाला, बीच बीच में आने वाला। तो जैसे फास्ट होता है और फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, तो ट्रांजिएंट टैकिपनिया नॉर्मल ह्यूमन बींग में भी हम देख सकते हैं। इसके कॉजेस क्या है, टैकिपनिया किस वजह से होता है? तो पहला है एलर्जी, एलर्जिक में होता है, एंजाइटी। जैसे मैंने ब्रैडिपनिया के टाइम में भी बोला कि एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट है, जैसे स्टार्टिंग फेज में होता है तो उनको टैकिपनिया होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रहेंगे तो उनको ब्रैडिपनिया हो सकता है। अस्थमेटिक जो पेशेंट है उनको ब्रीदिंग करने में ही प्रॉब्लम आता है, तो उनको बॉडी बॉडी का डिमांड है जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए डिमांड करती है और ब्रीदिंग रेट रेस्पिरेटरी फास्ट हो जा रहा है। ब्लड क्लॉट्स, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सीओपीडी, डायबिटिक किटोएसिडोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सेप्सिस। सेप्सिस क्या करता है? इंटरफेयर विद द ब्लड फ्लो बाय इन्फ्लेमेशन, और जो लंग्स को जो ब्लड फ्लो जाता है। और सेप्सिस में और क्या होता है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होता है, तो मेटाबॉलिज्म या बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसलिए भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, इसमें तो जनरली जानते हैं कि लंग्स अफेक्टेड होता है। लंग्स अफेक्टेड है तो क्या हो रहा है, बॉडी नॉर्मली रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, तो इसकी वजह से बॉडी ब्रेन क्या कमांड करेगा, ज्यादा बढ़ाओ रेस्पिरेटरी रेट, बढ़ाओ, तो रेस्पिरेटरी रेट अपनी बॉडी की डिमांड कंप्लीट करने के लिए बढ़ जाता है, तो इसलिए इन चीजों में टैकिपनिया होता है। तो ये वेव फॉर्म आप ध्यान में रखना, दोनों का जो डिस्टेंस है दो पीक पॉइंट्स में वो कम रहेगा टैकिपनिया में, ज्यादा बढ़ जाएगा ब्रैडिपनिया में। इसी वेव फॉर्म का जो डिस्टेंस है आपको डिफरेंस है दोनों में, यही डिफरेंस है कि जो दोनों का बीच का जो गैप है वो अलग अलग रहेगा। आपको मॉनिटर में आप प्रैक्टिस वाइज देखोगे, क्लिनिकल्स में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टैकिपनिया होता है तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो पहले हम देखेंगे ये एडल्ट है, एडल्ट में क्या हो रहा है, फीलिंग ऑफ नॉट गेटिंग इनफ एयर, ब्लू और ग्रे स्टिंग टू फिंगर्स और लिप्स, यूज ऑफ चेस्ट मसल वाइल ब्रीदिंग। तो नॉर्मली जो चेस्ट मसल है हम ब्रीदिंग के लिए यूज नहीं करते, लेकिन टैकिपनिया होता है तो ब्रीदिंग फास्ट करना पड़ता है, तो जो नॉर्मल मसल है वो काम नहीं करते, एक्स्ट्रा मसल को हम काम में लाते हैं, चेस्ट मसल यूज करके हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्लू और ग्रे स्टिंग टू फिंगर्स और टिप्स, मतलब फास्ट ब्रीदिंग होता है तो क्या होता है, इनफ टाइम नहीं मिल पाता एयर एक्सचेंज के लिए, तो उसकी वजह से ही ब्लूस और ग्रे स्टिंग टू फिंगर्स और लिप्स को जो एंड पॉइंट्स है, जैसे इसको कलर चेंज हो जाता है, और फीलिंग नॉट गेटिंग इनफ एयर, मतलब उनको फील ही नहीं होता है क्योंकि होगा ही नहीं, जितना रेस्पिरेटरी रेट फास्ट बढ़ेगा तो एयर एक्सचेंज के लिए टाइम भी उतना ही कम मिलेगा। तो अल्टरनेटली यही चीज है कि बॉडी टैकिपनिया बढ़ाती है बॉडी का डिमांड पूरा करने के लिए, लेकिन टैकिपनिया बढ़ने की वजह से डिमांड तो छोड़ो, जो नॉर्मली एयर एक्सचेंज हो रहा है वो भी नहीं हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और पीडियाट्रिक्स पेशेंट में क्या होगा, बॉबिंग ऑफ हेड होगा, फ्लेड नॉस्ट्रिल्स रहेगा, चेस्ट रिटार्डेशन होगा पेशेंट का, ग्रंटिंग और अदर साइंस ऑफ लेबर ब्रीदिंग। तो इनको ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी जो होगा क्योंकि वो फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, तो ऐसे नॉर्मली फास्ट उनका रेस्पिरेटरी रेट रहेगा जैसे वेव फॉर्म में है। तो ये थे सिम्टम्स, एडल्ट में अलग रहेंगे, पीडियाट्रिक में अलग रहेंगे, क्योंकि तो फास्ट ब्रीदिंग दोनों को अलग अलग इम्पैक्ट करेगी। आगे चलते हैं हाइपरपनिया, इसमें क्या हो रहा है, यह देखना, टेकिंग डीपर ब्रीथ्स देन यूजुअल विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। अब तक क्या हो रहा था, ब्रेडिपनिया और टैकिपनिया में क्या हो रहा था, रेस्पिरेटरी रेट अल्टर हो रहा था, ब्रैडिपनिया में कम हो रहा था, टैकिपनिया में रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो रहा था। हाइपरपनिया में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल ही रहेगा लेकिन जो वेव फॉर्म है वो मोर डीपर और वो टॉलर हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है, जैसे मैं एक ही इसमें वेव फॉर्म दिखा के आपको बाद में लास्ट सी स्लाइड में दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा।
तो इसके क्या कॉजेस है? हाइपरपनिया किस वजह से होता है? तो इसके दो रीजंस हैं, एक है फिजियोलॉजिकल और दूसरा है पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल क्या क्या कॉजेस हैं? जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो टैकिपनिया होता है। लेकिन पैथोलॉजिकल में एक्सरसाइज करने से पैथोलॉजिकल हाइपरपनिया नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस आएगा। फीलिंग कोल्ड, ठंडी लग रहा है, तो उसकी में भी फिजियोलॉजिकल हाइपरपनिया होगा, आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा। अल्टीट्यूड में है, जैसे प्रेशर बढ़, एयर प्रेशर बढ़ जाता है और O2 का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। जैसे आप हाई अल्टीट्यूड में जाते हो तो उसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है कि बॉडी वो कॉम्पेंसेट करने के लिए आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देती है। स्लीप में भी जैसे हाइपरपनिया कभी कभी हो जाता है कुछ कुछ पेशेंट्स को, और कुछ को एपनिया भी होता है। और जो फिर ये फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारी बॉडी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, और पैथोलॉजिकल मतलब हमारे डिसीज कंडीशन की वजह से जो हो रहा है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आएगा। जैसे एनीमिया है जो पैथोलॉजिकल हाइपरपनिया हमें कॉज करेगा, क्योंकि एनीमिया है तो क्या होगा, एच बी कम होगा, एच बी कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम रहेगा तो हाइपरपनिया होगा, डीप ब्रीदिंग होगा, टैकिपनिया नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, एकदम लंबा सांस लो और थोड़ा टाइम रुको, ऐसे में ब्रीदिंग चलेगा। फिर अस्थमा पेशेंट में भी जैसे वो टैकिपनिया भी उनमें होता है और हाइपरपनिया भी होता है। अस्थमेटिक और सीओपीडी दोनों हमने देखे, टैकिपनिया में ही ये रीजन देखे है अस्थमा सीओपीडी, तो इन पेशेंट में भी पैथोलॉजिकल हाइपरपनिया होता है। तो ऐसे नहीं है कि ये वेव फॉर्म या ये ब्रीदिंग पैटर्न आपको एक ही टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी एपिसोड्स आते हैं, अस्थमेटिक एपिसोड जो आता है। नॉर्मली अस्थमा जो पेशेंट है वो टैकिपनिक रहेगा, कभी वो ब्रैडिपनिया में भी जा सकता है, या कभी कभी वो जब उसको अस्थमेटिक अटैक आता है तो हाइपरपनिया में भी जाता है। तो ऐसे ही सीओपीडी पेशेंट का भी सेम रहेगा। ऐसे नहीं है कि आपको एक ही बार में ये दोनों डिसीज कंडीशन में ब्रैडिपनिया, टैकिपनिया और हाइपरपनिया देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग सिचुएशन वाइज आपको देखने को मिले, जैसे मैंने बताया है। तो ये आगे बढ़ते हैं अभी, तो ये नॉर्मल वेव फॉर्म है, इसका हाइट आप देख लो, को यहां से दिखा लूंगा, ये जो हाइट है और इसमें हाइट है, तो इसको आपको, इसमें आपको डिस्टेंस से पता चल जाएगा कि जो डीपर ब्रीथ क्यों बोला था हाइपरपनिया में। इसमें देखो सेम ये रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 ही है, उतना ही रेस्पिरेटरी रेट इसमें सेम रहेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट रहेगा हाइपरपनिया में, बस डीप ब्रीदिंग रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट अल्टर नहीं होगा जैसे ब्रैडिपनिया में और टैकिपनिया में अल्टर हो रहा था। इसमें बस वेवलेंथ का जो है, हाइट पिक पॉइंट का जो बढ़ जाएगा बेस लाइन से, और नॉर्मल पैटर्न का मैंने अभी कंपैरिजन में दिखा दिया, और आगे मैं सबका एक साथ ही कंपैरिजन दिखा दूंगा तो अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन, इसके बारे में बहुत सुना होगा, ये क्या है? एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिवली डीपर एंड समटाइम्स फास्टर ब्रीदिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज दैट रिजल्ट इन टेम्पररी स्टॉप इन ब्रीदिंग कॉल्ड एपनिया। तो इस वेव फॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 पीक होता जा रहा है, फिर कम हो रहा है, और फिर यहाँ पे एपनिया आ रहा है। तो ये क्या हुआ, हाइपोपनिया प्लस हाइपरपनिया, फिर से हाइपोपनिया हुआ और फिर यहाँ पे एपनिया हुआ यहाँ। तो ऐसी सेम ये रेगुलरिटीज रहेगी, हाइपोपनिया मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जो शैलो ब्रीदिंग रहेगा, टैकिपनी जैसे रहेगा, पेशेंट शैलो ब्रीथ करेगा, इसका वेव फॉर्म देखो छोटा है, और यहाँ से एकदम सडनली वो डीप ब्रीथ करेगा, मतलब क्या होगा, हाइपरपनिया में जाएगा, और इसमें फिर से वो हाइपोपनिया में जाएगा और फिर एपनिया में जाएगा, यहाँ पे ब्रीदिंग स्टॉप होगा उसका, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। तो ये क्या है, द पैटर्न रिपीट्स विद ईच साइकिल यूजुअली टेकिंग 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स, मतलब हर 30 सेकेंड में 30 सेकंड से 2 मिनट के अंतर अंतकाल में
ये जो साइकिल है रिपीट होती रहेगी, तो ये रेगुलरिटी रहेगी चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कम होगा और एकदम से स्टॉप होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होगा, स्टॉप होगा, ऐसे में रखना है। ये इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, नार्कोटिक पॉइजनिंग, इंक्रीज इंटरनल प्रेशर, अल्टरनेटली वो ब्रेन को ही प्रेस्ट करेगा, देन हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन जब भी अल्टर होगा, रेस्पिरेशन हमारा अल्टर होगा ही होगा, ये ध्यान में रखना है। और ये हुए इसके कॉजिंग फैक्टर। ये सबको समझ में आ गया? चेन स्टॉक रेस्पिरेशन हमेशा इस पे क्वेश्चन भी आएगा और आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत बार देखने को मिलेगा। जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट है, आईसीयू एडमिटेड पेशेंट है, उनके मॉनिटर में आप देखोगे तो आपको बहुत बार एग्जैक्टली सेम ऐसा तो वेवफॉर्म नहीं मिलेगा, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, लेकिन दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट मिलेगा कि हाइपोअपनिया, हाइपरअपनिया फॉलोड बाय हाइपोअपनिया एंड देन एपनिया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले शालो ब्रीदिंग है, फिर डीप ब्रीथ करेगा, फिर शालो ब्रीथ करके ब्रेक लेगा, फिर शालो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, शालो ब्रीदिंग, ब्रेक, ऐसे करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या ग्रुप की लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में चेन, इसमें क्या होता है, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग पैटर्न में जो है वहां पे क्या हो रहा है, एपनिया जो हमने वेव फॉर्म देखा कि ऐसे, सॉरी इसको हम पहले इरेज करते हैं, ये जो था ये पहले छोटा रहेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर एकदम डीप ब्रीथ करेगा, फिर छोटा और फिर ब्रेक लेगा, फिर छोटा ब्रीथ करेगा, शैलो ब्रीथ करेगा, डीप ब्रीदिंग होगा, फिर शैलो ब्रीथ, ब्रेक। तो ये जो पैटर्न हमने देखा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो एपनिया हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, CO2 बॉडी में बढ़ रहा है। तो CO2 बॉडी में बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट एक्सेसिव कॉम्पेंसेटरी हाइपरवेंटिलेशन, क्योंकि बॉडी को तो CO2 निकालना है, तो ब्रेन क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्सेसिव कॉम्पेंसेटरी हाइपरवेंटिलेशन करना है। तो क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन होगा तो CO2 कम हो जाएगा, तो CO2 कम हो गया, CO2 कम होगा तो क्या होगा, ब्रेन फिर से, ब्रेन को लगेगा कि हाँ CO2 निकल गया है, हमारा रिक्वायरमेंट कम हो गया, क्योंकि CO2 ही हमारा केमिकल स्टिमुलेटर होता है ब्रेन को कि ब्रीदिंग कैसे चलाना है। अगर CO2 कम ही हो जाए तो ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा कि अब रेस्पिरेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, एपनिया होगा, जब CO2 डिक्रीज होगा तो ब्रेन सोचेगा हाँ अभी रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, वो ब्रेक ले लेगा, ब्रेक लेता है, जब भी ब्रेक लेगा CO2 फिर से बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ेगा तो फिर से वही चलेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी एवरी 30 सेकंड टू 20 मिनट्स बाद, ये रिपीट होती रहेगी, तो सॉरी 20 नहीं, 2 मिनट्स, 30 सेकंड टू 2 मिनट्स के एवरी साइकिल में रिपीट होती रहती है। तो ये ध्यान में रखना है, शैलो ब्रीथ्स, हाइपोपनिया, डीप ब्रीथ, हाइपरअपनिया, फिर शैलो ब्रीथ और फिर एपनिया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये साइकिल है जो एक कंटिन्यू चलती रहेगी और इसी में चेन स्टॉक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा पेशेंट्स में, जो भी डिसीज कंडीशन मैंने बोला, किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, इंक्रीज ICP, ब्रेन इंजरी और हाइपो परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, बियॉट्स रेस्पिरेशन, ये क्या है, इसको समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर रेस्पिरेशन, कभी कभी क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर रेस्पिरेशन के नाम से भी आपको ऑप्शन में आ जाएगा, बियॉट्स रेस्पिरेशन को ही क्लस्टर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्या है, एबनॉर्मल, अभी हम सब एबनॉर्मल पैटर्न ही देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैरेक्टराइज बाय, क्या कैरेक्टराइज है, ग्रुप्स ऑफ क्विक शैलो इंस्पिरेशन। ये क्या है, क्विक शैलो इंस्पिरेशन, ये फास्ट है, ये हुए क्विक, इसलिए ये क्लस्टर बन गया ना, इसलिए इसको क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और ये क्या हुआ, क्विक है, फास्ट है, मतलब इसमें जो डिस्टेंस है वो देखो बहुत कम कम है,
ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए शालो और क्विक जो बोला गया है इंस्पिरेशन है, फॉलोड बाय रेगुलर और इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है एपनिया, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे एकदम छोटा एपनिया हो, फिर वही क्लस्टर चलेगा यहाँ पे और एपनिया हो, तो रेगुलर नहीं है ये, इरेगुलरिटी इसमें आपको देखने को मिलती है। तो इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अटैक्सिक रेस्पिरेशन बाय हैविंग मोर रेगुलरिटी एंड सिमिलर साइज इंस्पिरेशन, वेयर एज अटैक्सिक ब्रीदिंग आर कैरेक्टराइज बाय कंप्लीटली इरेगुलर ब्रीथ एंड पॉज। तो बियर्ड्स रेस्पिरेशन और अटैक्सिक रेस्पिरेशन में कन्फ्यूजन होने के बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि दोनों लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? बियर्ड्स रेस्पिरेशन में जो है ये एपनिया जो है वो रेगुलर पैटर्न बाद आएगा, मतलब ये जो वेवलेंथ रहेगा ये सेम रहेगा, फिर रेगुलर एपनिया, फिर सेम रहेगा, फिर एपनिया आएगा। और अटैक्सिक ब्रीदिंग में क्या होगा, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये अटैक्सिक ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है। अब एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल के दरमियान वहाँ मॉनिटर पे क्या देखने को मिलेगा, ये इससे थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ईसीजी लीड्स आप कनेक्ट कैसे करते हो, कहाँ पे लगाए हो, उससे थोड़ा वेवफॉर्म थोड़ा माइनर अल्टर हो सकता है। तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन आप अंदाजे से ये आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, आपको ये आ गया, तो बियर्ड्स रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो आप वेवलेंथ को भी डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो ये किस वजह से होता है? कॉज बाय डैमेज टू मिडिल ऑफ लंगेटा ड्यू टू स्ट्रोक, ट्रॉमा और बाय प्रेशर ऑन द मिडिल ऑफ लंगेटा ड्यू टू अंकल और टेंटोरियल हर्निएशन। अब अंकल हर्निएशन ही टेंटोरियल हर्निएशन का ही पार्ट है, जैसे वन पार्ट ऑफ ब्रेन शिफ्टेड टू द अदर पार्ट। तो जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर हमें ब्रेन के पार्ट देखे, लेकिन वो हर्निएशन की वजह से एक इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी प्रेशर जब मेडुला ऑब्लॉन्गेटा पे बढ़ जाएगा तो बियर्ड्स रेस्पिरेशन हमको देखने को मिलेगा। तो एट द एंड हमें यही एक इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो भी ब्रीदिंग पैटर्न अल्टर हो रहे हैं उसमें ब्रेन इंजुरी, हेड इंजुरी, ब्रेन इंजुरी, ब्रेन रिलेटेड ट्रॉमा इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा कॉजिंग फैक्टर में, और बाकी डिसीज कंडीशन, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब चीज रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुसमॉल्स ब्रीदिंग, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, कुसमॉल्स ब्रीदिंग और चेंज ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, और इस पे कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, उसके वेवफॉर्म दिखा के या उसके कॉजिंग फैक्टर या उसका थोड़ा लैब वैल्यूज दिखा के आपको ये पूछा गया था क्वेश्चन बहुत बार, नॉर्सेट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये आया हुआ है। सबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न कैरेक्टराइज बाय रैपिड डीप ब्रीदिंग एट कंसिस्टेंट पेस, मतलब इसमें एपनिया नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? रैपिड, ये देखो डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है इससे पता चलता है रैपिड ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब टैकिपनिया हो रहा है, और डीप ब्रीदिंग मतलब हाइपरपनिया हो रहा है। तो दोनों चीजें इसमें मिलती है, कुस्मॉल ब्रीदिंग में क्या मिलता है? टैकिपनिया एंड हाइपरपनिया हमें देखने को मिलता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब क्या हो रहा है, जब भी पेशेंट एसिडोटिक स्टेज में रहेगा कुसमॉल्स ब्रीदिंग हमें देखने को मिलेगा, फास्ट ब्रीदिंग होगा और डीप रहेगा। कैंसर में भी ये होता है, रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ऑर्गन फेल्योर, अल्कोहल, सेप्सिस, ये सारे कॉजिंग फैक्टर है कुसमॉल्स ब्रीदिंग के लिए। ये भी किसी ना किसी डिसीज कंडीशन के सिम्टम्स है या फिर, लेकिन ये कुस्मॉल ब्रीदिंग इनकी इन सारी चीजों की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो जब भी बॉडी एसिडोटिक फेज में रहेगी आपको कुस्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जो भी पेशेंट ज्यादा एसिड स्टेज, जिसका एबीजी में आप एबीजी स्टडी कर रहे हो और आपको पता चले एबीजी एकदम पेशेंट एसिड, मतलब उसका पीएच कम हो गया है, एसिडोटिक फेज में है, देख रहा है आपको, तो कुस्मॉल ब्रीदिंग से आपको पता चल जाएगा, उसका वेव फॉर्म भी आप मॉनिटर पे देख सकते हो, तो आपको ये हो जाएगा। वेंटिलेटर का वेव फॉर्म जैसे मैंने पहले बोला, और कैपनोग्राफी का वेव फॉर्म अलग रहेगा, वो हमने इस वीडियो में नहीं स्टडी कर रहे हैं, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। फिर लास्ट में आता है एपनियोस्टिक ब्रीदिंग, ये रेयर ब्रीदिंग, रेयर एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? लॉन्ग गैस्पिंग इनहेलेशन विथ स्पोरेडिक एंड इनसफिशियंट एक्सलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सलेशन का रेशियो अगर सेम रहेगा और फास्ट रहेगा तो आएगा ये कुसमॉल्स ब्रीदिंग जैसे, लेकिन जब इनहेलेशन और एक्सलेशन
इक्वल में नहीं है, इक्वल टाइमिंग में नहीं है, तो ये आएगा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। जैसे इस वीडियो में आप ये इस इमेज में आप देख सकते हो, इधर तो एपनिस्टिक ब्रीदिंग में उतना ही था, वो स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी जब होता है उसमें एपनिस्टिक ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका इंस्पिरेशन टाइम और एक्सपिरेशन टाइम अल्टर रहेगा। एक्सपिरेशन को टाइम कम मिलेगा तो पेशेंट क्या करेगा, ब्रीदिंग ज्यादा लाइन लेगा और एक्सपिरेशन फास्ट करेगा, तो उसमें उसका जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट टूथ हो जाएगा, मतलब एकदम टेढ़ा सा हो जाएगा। तो एक मैंने जैसे बोला था, पहले से बता रहा हूँ कि एक साथ आपको कंपेयर में बताऊंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। इपनिया मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है इसका वेव फॉर्म आप देख लो, इसमें क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट प्लस पैटर्न। ब्रेड इपनिया में क्या हो रहा है, ये वेव फॉर्म आप ये करो, इसमें क्या हो रहा है ये देखो, जो डिस्टेंस है वेव फॉर्म में, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये दोनों में जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी रेट कम है। फिर टैकिपनिया आता है, टैकिपनिया में जो डिस्टेंस है और नॉर्मल से कम होता है तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, लेकिन एक साथ आपको देखने में आइडिया क्लियर हो जाएगा। एपनिया मतलब ब्लैंक आएगा, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, खत्म, टाटा बाय बाय, चलते, ऐसे करेगा पेशेंट। पेशेंट तो बोलेगा नहीं, मॉनिटर हमें बोल देगा। फिर आता है हाइपर अपनिया, तो हाइपर अपनिया में हमने क्या देखा था, डीप ब्रीदिंग करता है पेशेंट, तो डीप ब्रीदिंग कर रहा है मतलब इसका जो हाइट है वो बढ़ जाता है, ये जो हाइट है ये नॉर्मल से बढ़ जाएगा, जैसे नॉर्मल में आप देख रहे हो ये इतना रहेगा, तो हाइपर अपनिया में ये रहेगा, तो डीप रेस्पिरेशंस और ब्रीदिंग जो भी होगा डीप होगा, मतलब डीप इनहेलेशन टाइम ही होगा और एक्सहेलेशन टाइम भी ज्यादा होगा, इसलिए ये वेवफॉर्म हाइटेड हो जाएगा। फिर आता है चेन स्ट्रोक, चेन स्ट्रोक में क्या देखा हमने, हाइपोपनिया, हाइपर अपनिया, हाइपोपनिया और एपनिया, यहाँ पे देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेस्पिरेशंस विद एपनिया, ये यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज एपनिया, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज एपनिया, ऐसे हो रहा है। फिर आता है बियॉर्ड्स रेस्पिरेशन, इसमें क्या देखा था, क्लस्टर रेस्पिरेशन जो बोला था कि डीप शैलो ये रहेगा रेस्पिरेशंस रहेगा विथ रेगुलर एपनिया फेज रहेगा, तो क्या है, रैपिड गैस्पिंग विथ शॉर्ट पॉजेस बिटवीन सेट्स, मतलब ये रहा हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, इसमें भी देखो आप डीप है ये और क्विक है, मतलब ये डिस्टेंस भी कम है नॉर्मल से और हाइट भी ज्यादा है नॉर्मल से, तो और यहाँ पे आप एपनिक फेस भी देख सकते हो, एपनिया भी है यहाँ पे, और ये रेगुलर पैटर्न नहीं है तो इसको अटैक्सिक भी बोल सकते हैं। फिर आता है कुस्मोस ब्रीदिंग, ये क्यों आता है, जब पेशेंट एसिडोटिक फेज में होता है तो आता है कुस्मोस ब्रीदिंग, तो इसमें क्या होता है, टैकिपनिया होता है, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आएगा सेम, टैकिपनिक हो गया, और ये जो हाइट है यहाँ से लेके बेस लाइन तक की जो हाइट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी हाइपरपनिया में, तो यहाँ क्या हो रहा है, टेकिपनिया एंड हाइपरपनिया होता है कुस्मोस ब्रीदिंग में, पहले मैंने ये बता दिया था। एपनिस्टिक ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, ये ऐसे टिल्ट हो गया है, क्यों, क्योंकि इंस्पिरेशन टाइम और एक्सपिरेशन टाइम नॉर्मल मतलब इक्वल नहीं है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन एंड शॉर्ट टर्न एक्सपिरेशन, इसकी वजह से जो वेव फॉर्म है वो टिल्ट हो जाता है एक साइड, ये रहा इंस्पिरेशन का और एक्सपिरेशन कम होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन शॉर्ट हो रहा है, तो ये रहा कंपेरेटिव ब्रीदिंग पैटर्न आपका सबका। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यूपनिया, ब्रेडिपनिया, टेकिपनिया, एपनिया, हाइपरअपनिया, जैसे हाइपोपनिया होता है, हाइपरअपनिया में क्या हो रहा है, डीप ब्रीदिंग हो रहा है, हाइपोपनिया में शॉर्ट मतलब शैलो ब्रीदिंग होगा तो वेव फॉर्म और शॉलो हो जाएगा, ब्रेडिपनिया से भी और शैलो रहेगा। फिर आता है और जो चीज़ें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल में, जो टर्म्स है ब्रीदिंग पैटर्न, और एक दो ब्रीदिंग पैटर्न इसमें ऐड होते हैं, लेकिन वो इतना ही आपको इसी से रिलेटेड आएंगे तो ज़्यादा इसमें, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है इसमें, तो यही तक। इसमें और कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आगे। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई लंग्स।